बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मलका बरतानिया को 96 तोपों से सलामी पेश की गई है। शाही गार्ड्स के प्रोटोकॉल के साथ ताबूत रवाना किया गया। मलका बरतानिया की विंडसर कासल में मुकम्मल शाही एजाज के साथ तदफीन की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत दुनिया भर से सरबराहान भी आखिरी रसूमात में शरीक। तो व्यूवर्स, आज हम आपको मलका बरतानिया के ताबूत के बारे में हैरान कुन तफसीलात से आगाह करेंगे। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मलका बरतानिया के ताबूत की हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं। 70 बरस से जायद अरसा बरतानिया के तख्त पर बराजमान रहने वाली मलका एलिजबेथ का ताबूत 3 दहाइयों पहले तैयार किया गया था। जी व्यूवर्स, 3 दहाइयों पहले तैयार किया गया था। जैसे मलका का रहन सहन अवाम से मुख्तलिफ था, उसी तरह मलका का ताबूत भी मुख्तलिफ है। आम ताबूतों से बिल्कुल मुख्तलिफ मलका एलिजबेथ दोम का ताबूत 32 बरस पहले बरतानिया के मशहूर तरीन दरख्त बलूत की लकड़ी से तैयार किया गया था। शाही रिवायात के मुताबिक ताबूत को शीशे से तराशा गया है, जो हवा और नमी की राह में रुकावट साबित होगा, जिसकी बदौलत मलका की लाश तदफीन के बाद भी ज्यादा देर तक महफूज रह सकेगी। शाही खानदान के कफन दफन का काम करने वाले बताते हैं कि मलका को यह ताबूत विरासत में मिला था। ताबूत तैयार करने वालों के बारे में मालूम नहीं, ताहम बलूत की लकड़ी से ताबूत तैयार करना काफी मुश्किल काम है। ताबूत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसके ढक्कन पर कीमती सामान महफूज रह सके, जबकि उस पर पीतल के हैंडल भी शाही अंदाज में बनाए गए हैं। अनजहानी मलका के ताबूत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 8 अफराद की नफरी दरकार होगी। मलका एलिजबेथ को अनजहानी शोहर शहजादा फिलिप के पहलू में दफनाया जाएगा। तो व्यूवर्स, आज हमने आपको मलका एलिजबेथ दोम के ताबूत के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक से आगाह किया है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हमारी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।